बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा। देखिए हमारे भोजपुरी परिवार में जब भी कोई भी आगे बढ़ता है, जब भी कोई एक कदम आगे बढ़ाता है किसी भी जगह, चाहे भोजपुरी के दायरे से बढ़कर, तो मैं एक सच्ची बात बताऊँ तो जो व्यक्ति वो कर रहा होता है उससे कई ज़्यादा खुश पूरे भोजपुरी सिनेमा परिवार के लोग होते हैं, उससे कई ज़्यादा खुश, कहीं ना कहीं प्राउड हम सबको बिल्कुल करते हैं जब वो बॉलीवुड में या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रियलिटी शोज में अपना नाम करते हैं। अल्टीमेटली भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल यही जाता है, ये हम सबको खुशी थी। बल्कि यही नहीं, आप सिर्फ भोजपुरी सिनेमा नहीं, जब हिंदुस्तान का, मैं आपको एक फर्स्ट एग्जांपल बताऊंगा कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी जब ओलंपिक्स में मेडल जीत कर आता है तो क्या वो उसके या सिर्फ उसके परिवार को खुशी होती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उससे कई ज़्यादा पूरे देश को उस शख्स पर, उस स्पोर्ट्समैन पर, उस पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है पूरे देश को। तो उसी तरह, उसी प्रकार जैसे हमारे परिवार के एक बहुत ही खूबसूरत सदस्य खेसारी लाल यादव भाई आज गए हैं बिग बॉस के शो में, और मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा जितने भी लोग बिग बॉस देख रहे हैं वो लोग उन्हें प्यार दें और खूब सारा सपोर्ट करें कि ताकि हमारे भोजपुरी का झंडा, चाहे वो हमारे भोजपुरी का कोई भी सदस्य जाकर किसी भी देश दुनिया में, वो चाहे खेसारी भाई नहीं कोई भी कल को अगर कहीं भी जाए, तो सबको प्यार दें, सबको सपोर्ट करें, जो मैं हमेशा बोलते आता हूँ। हाँ बिल्कुल, हम बिग बॉस भी देखते हैं, हम सब कुछ जो भी रियलिटी शो होता है, स्पेशली जब हमारे भोजपुरी का आगमन होता है तो मैं ज़्यादा देखता हूँ। वैसे तो मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे मेरा लगाव मेरे भोजपुरी से को लेकर ज़्यादा होता है। जब मुझे सुनने में आया कि हमारे भाई जा रहे हैं, तब से मैंने देखना शुरू किया कि हाँ चलो मेरे भाई जा रहे हैं तो अब देखना ज़रूरी है। और मैं ये तो बल्कि वाइल्ड कार्ड में ले रहे हैं, बल्कि ये डिसीजन उनको बहुत पहले लेना चाहिए था, ये उन्होंने बहुत देर से उन्हें समझ में आया कि भाई एक भोजपुरी का एक झंडा होना ज़रूरी है वहाँ पे बिग बॉस के घर के अंदर, ये उन्हें बहुत देर से समझ में आई है कलर्स टीवी चैनल वालों को, तो उन लोगों को ये बात बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। और भोजपुरी के एक किसी ना किसी नाम को हमेशा शामिल किया जाए, और हमेशा जब भी कोई भी भोजपुरी का सितारा वहाँ पर गया है वो चमक कर ही बाहर आया है। मुझे गिफ्ट मिला, मुझे गिफ्ट नहीं मिला है, आप दीजिए, मैं ये कहना चाहूँगी दिवाली आई है गिफ्ट दीजिए। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, और स्पेशली चिंटू के साथ में मेरा सफर बहुत लंबा रहा है। बिल्कुल, मेरी मतलब मेरी पहली फिल्म वो नहीं बोल सकते हो तुम, मेरी पहली फिल्म से मेरी गर्लफ्रेंड रही है और मैं इनको बहुत सारा प्यार किया हूँ, मैंने अपने प्यार को अंदर दबा के रखा था, और ये आज मैं दिवाली के शुभ अवसर पर महापर्व पर जो लाखों दिलों की धड़कन है, आप उस लाखों दिल में एक मेरा भी दिल धड़कता था इनके लिए, धड़क रहा था, धड़क रहा है और धड़कता रहे। तो चूंकि मेरा सिनेमा का जो सफ़र है वो शुरुआत ही पाखी जी के साथ हुई थी, इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। आज लोग बोलते हैं कि आप बहुत बेहतरीन अभिनेता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ड्यू टू मेरे सीनियर्स जितने भी हैं सबने बहुत बहुत सिखाया है मुझे, चाहे वो पाखी जी हो, दिनेश जी हो, इनसे मेरा सफ़र शुरुआत हुआ, सो थैंक यू सो मच। गाना बहुत बढ़िया है और फिल्म इतनी बढ़िया है कि मुझे इस गाने को करने का मन किया, सो आई वुड से थैंक्स टू मंजुल जी, प्रदीप जी, के एक अच्छी फिल्म का पार्ट होना हमेशा एक एक्टर को बहुत अच्छा लगता है। कौन से वाले प्रदीप जी? इसमें दो प्रदीप हैं हमारे लिए अभी फिलहाल, हम यही समझ रहे हैं प्रदीप सिंह जो पैसा देता है, जो जो, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। और कौन से वाले हैं भाई? प्रदीप पांडे, प्रदीप नहीं, ये हमारे चिंटू है, शादी के बाद कैसा रिलेशन है? वैसा ही चल रहा है, बस वैसे ही चल रहा है, बस पार्ट टू के लिए तैयारी है, आगमन होने वाला है मेरा और संचिता जी का। शादी करने के बाद आपने ठुकरा दिया था, फिर कैसे दोनों का? कब ठुकरा? ना ना, ये गलत खबर है, ठुकरा है नहीं, बिल्कुल नहीं, घर पे रखा था। इन्हें काफी समय इन्हें काफी समय लगा। नहीं, अगर बता दूंगी तो नहीं जाएंगे ना देखने के लिए, ये सीक्रेट है, जाना ही पड़ेगा।